प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वो जो कथा कथित जो बोलते हैं अपने आप को वेरीफाई खबर को हम सिर्फ चलाते हैं, विदाउट वेरीफाई किए हुए किसी खबर को नहीं चलाते हैं, वो सारे मीडिया ने चलाया था। अब बताइए कि अब उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? अब इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका सबका परिवार एक एक दिन आँख से रोते हुए वो वेट कर रहा है कि हाँ मेरा लड़का कब आएगा कब आएगा कब आएगा। उसको एक बार एक साल के लिए थोप दिया जा रहा है कि हाँ गलत खबर चला कर थोप दिया जाता है कि हाँ जो एक साल तक जमानत भी नहीं होगी, अब एक साल रहना ही होगा। तमिलनाडु के जो माननीय राज्यपाल जी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो ये न्यूज़ झूठी फैलाई जा रही है कि 11 महीने तक मनीष कश्यप जेल में रहेगा, ये पूरी तरह से गलत है, झूठ है। मैं उन लोगों से बोलना चाहूँ जो मनीष कश्यप पे इतनी जल्दी से कार्रवाई की है, क्या आप इस खबर को लेकर आप माफ़ी मंगाएंगे? जो मीडिया चलाई है, बड़े मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक चलाई है, क्या उनसे आप माफ़ी मंगवाएंगे? क्या आप उनको नोटिस भेजेंगे? मैं आपका इंतज़ार करूंगा इस प्रक्रिया को लेकर। इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप जी मौजूद हैं। करण जी, पहला सवाल, बीते कुछ दिनों में सोशल साइट पर लगातार देखा जा रहा था मनीष कश्यप को 11 महीने की जेल हो जाएगी, बड़ा फैसला तमिलनाडु राज्यपाल की तरफ से, तो अभी रात में कुछ खबरें सामने निकल कर के आई, दर्शकों को बताइए पूरा मामला। देखिए, ये सब तो मुझे भी पहले से पता था कि हाँ आज क्या राज्यपाल ने साइन शायद नहीं किए हैं, मुझे उम्मीद था, और लेकिन न्यूज़ में आ रहे थे, मुझे डर तो था, बहुत ज़्यादा डर था। और एक दिन मेरे भाई ने, कजन ब्रदर है, वो मेरी मम्मी से भी बोल दिए थे कि हाँ जी ऐसा ऐसा हो गया, एक साल तक मनीष भैया नहीं आएंगे। तो मम्मी उस दिन मगर शॉकिंग पड़ गई थी, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन कल जो न्यूज़ आई है, वेरीफाई होकर आई है, जो वहाँ से ट्विटर पे भी ट्वीट किया गया, फिर प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है, उसके बाद थोड़ा सा राहत मिली है। किसके द्वारा ट्विटर पे ट्वीट करके ये पूरी बात बताई गई है? ये आपको तमिलनाडु राजभवन से जो वहाँ से मिली है। तमिलनाडु के जो माननीय राज्यपाल जी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो ये न्यूज़ झूठी फैलाई जा रही है कि 11 महीने तक मनीष कश्यप जेल में रहेगा, ये पूरी तरह से गलत है, झूठ है और इस तरीके की कोई बात नहीं की गई है। जिस तरीके से चाहे प्रिंट मीडिया की बात कर ले या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर ले, चारों तरफ यही बात बोली जा रही थी। वही तो मुझे शॉकिंग लग रहा है कि आप देखिए, अब प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वो जो कथा कथित जो बोलते हैं अपने आप को वेरीफाई खबर को हम सिर्फ चलाते हैं, विदाउट वेरीफाई किए हुए किसी खबर को नहीं चलाते हैं, वो सारे मीडिया ने चलाया था। अब बताइए कि अब उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? अब इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो एक मीडिया ने चलाई, फिर उसको देख के दूसरी मीडिया विदाउट वेरीफाई किए हुए चला दी, फिर तीसरे मीडिया ने चला दिए, फिर डिजिटल मीडिया भी चला दी, क्योंकि उस बड़े मीडिया चला रहे हैं तो डिजिटल मीडिया भी चला दी, फिर प्रिंट मीडिया भी चला दी, सारे मीडिया ने चलाया, आखिर इसकी जवाबदेही कौन है? अगर मेरे परिवार में कुछ हो जाता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? क्योंकि जो एक साल, जो मनीष कश्यप का परिवार एक एक दिन आँख से रोते हुए वो वेट कर रहा है कि हाँ मेरा लड़का कब आएगा कब आएगा कब आएगा, उसको एक बार एक साल के लिए थोप दिया जा रहा है कि हाँ गलत खबर चला कर थोप दिया जाता है कि हाँ जो एक साल तक जमानत भी नहीं होगी, अब एक साल रहना ही होगा। मैं बिहार के लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप देख लो, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल। एक आदमी के लिए कानून दूसरा है, दूसरे आदमी के लिए कानून दूसरा है। अब जो दो तीन दिनों से चल रही थी खबर, इसलिए बिहार की जो बिहार पुलिस की RTCL तो सोई हुई थी, कुछ भी नहीं करना बाहर में जाए, क्योंकि मनीष कश्यप तो जेल में है, ठीक है। और जैसे ही मनीष कश्यप के ट्विटर फर्जी आदमी फर्जी तरीके से ट्वीट करता है मनीष कश्यप के नाम से, वैसे ही उन पर FIR होती है। अच्छा, कितने समय में FIR हो गई थी? दो घंटे में FIR। यहां तो दो से तीन दिन बीतने जा रहे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आखिर क्या? मैं उन लोगों से बोलना चाहूँ जो मनीष कश्यप पे इतनी जल्दी से कार्रवाई की है, क्या आप इस खबर को लेकर आप माफ़ी मंगाएंगे? जो मीडिया चलाई है, बड़े मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक चलाई है, क्या उनसे आप माफ़ी मंगवाएंगे? क्या आप उनको नोटिस भेजेंगे?
मैं आपका इंतजार करूंगा इस प्रक्रिया को लेकर। पर डे आपको 10 से 15 न्यूज़ ऐसे फेक न्यूज़ चलती है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलतियाँ सबसे होती है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं जो बोला हूँ थोड़ा सा दुख लगा है इसलिए मैं बोला हूँ सबको, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन गलतियाँ सबसे होती है। यही काम तो मनीष कश्यप ने किया था जी। जब बड़े मीडिया ने चलाया था, बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया था, बड़े बड़े प्रिंट मीडिया में खबर आई थी, उसके बाद मनीष ने खबर चला दिया था। तो फिर सिर्फ मनीष कश्यप के लिए ही कानून अलग क्यों है? उससे भी बोल दो कि वो भी माफ़ी मांग लेगा, हम माफ़ी मांग लेते हैं, उसका परिवार माफ़ी मांग लेगा, जहाँ बोलोगे आप वहाँ माफ़ी मांग लेगा। लेकिन प्लीज़ कानून को दो भागों में मत बांटिए कि बड़े लोगों के लिए कानून है, छोटों के लिए एक कानून है, मिडिल क्लास के लिए कानून है। जनता कानून पे किस ऐसे कैसे भरोसा करेगी फिर, जब इस तरीके से साफ साफ हो रहा है, देखा भी जा रहा है? तो जनता ये देख ही रही है, वो तो खुद कल रात से अभी तक मेरे पास 50-60 को मैसेज भी आया, कॉल भी आया कि हाँ एक खबर झूठी है भाई, अब थोड़ा जान में जाना आया, ऐसी वैसी बातें करने लगे। मुझे भी खुशी थी और मैं सबका फ़ोन भी रिसीव कर रहा था कि हाँ चलो ठीक है, आप मेरे शुभचिंतक हैं, चाहे मैं मुझे प्यार करने वाले हैं लोग, चाहे मेरे रिलेटिव। जिस तरीके से सारे मीडिया चैनल खबरें चलाएं, अभी ये खबरें सारी झूठी साबित हुई मनीष कश्यप सर को लेके, तो फिर जनता इन प्लेटफॉर्म पे आखिर भरोसा कैसे करे, किस बिहाफ पर करे? अब जनता को सोचना होगा। ये जनता के अगर माइंड में ऐसा है कि हाँ जी आप जो बड़े मीडिया है, बड़े मीडिया जो भी मीडिया हो उस पर आप लोग आँख बंद के विश्वास करते हैं कि हाँ जी सच्ची ही दिखाएगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे कोई मीडिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी चीज़ को कुछ भी दिखा सकती है और डिजिटल मीडिया वाले लोग को भी इसे सीख लेना पड़ेगा। आप लोग फिर बार बार ऐसी गलतियां मत कीजिए, ये मीडिया चला दी, बड़े मीडिया चला दी, तो आप देखा देखिए आप धड़ाधड़ आप क्या किए, हाँ तैयार किए, अपना कैमरा तैयार किए, आप चलाते गए। लेकिन जिस तरीके से आप लोग चला रहे थे, एक साल तक मनीष कश्यप नहीं आएगा, फिर उस पर जाति के नाम पे, उसमें जातिवाद भी हो गया। बहुत कुछ मीडिया ऐसे हुए कि हाँ राज्यपाल की भूमियार है, मनीष कश्यप भूमियार है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे क्या, अब रहने दो भाई, ऐसे खबर मत चलाओ, प्लीज़ ऐसे खबर मत चलाओ। सेम खबर है, सेम कंडीशन वही है। जैसे ही बड़े मीडिया उस टाइम छापे थे प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चली थी खबरें, बहुत धड़ाधड़ चली थी, नेता लोग ट्वीट किए थे, यही चीज़ को देखकर मनीष कश्यप ने चलाया था और किसी को देखकर नहीं। और उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए तमिलनाडु गया था और तमिलनाडु में दो वीडियो बनाया था। आप लोग सारे बिहार के सारे देशवासी आप देख लेना, अगर तमिलनाडु में जो वीडियो दो बनाया था उसमें अगर कोई भी गलती हो तो आप किसी भी चौक चौराहे पे बोलना कि उनको फांसी देने के लिए सजा देने चाहिए, हमारे परिवार भी उनको बोले कि हाँ फांसी की सजा दे दो, बस आप लोग। लेकिन कंपेयर करना, वही चीज़ अब की बार लास्ट 2-3 दिनों से चल रही है कि हम मनीष कश्यप को एक साल तक कभी उनको जमानत नहीं मिलेगी, बाहर नहीं आएंगे, और धड़ाधड़ प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में धड़ाधड़ चल रही है, बड़े बड़े मीडिया चलाए हैं, फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर जो पहले चलाए थे न्यूज पहले वाला का, उसमें भी तमिलनाडु वाला प्रकरण में भी जो पहले चला था उस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसमें भी पहले वाला जो चलाया था उस पर कार्रवाई नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि वो बड़े मीडिया है, चाहे बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, बस।